अरे बाबू ऐसे क्यों करते हैं आप लोग? अब बताइए, साउंड डिस्टर्ब हो गया, मैं कैसे गाऊं? हेलो, ये आप लोग उधर जो बैठे हैं वहां पे साउंड गिर गया है दोनों तरफ, आवाज पीछे तक नहीं पहुंच रही है, प्लीज नीचे उतर जाइए आप लोग। आप लोग खूब एंजॉय करिए, खूब मस्ती करिए, साउंड साउंड को डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। साउंड ही नहीं चलेगा तो आप लोग सुनेंगे क्या भैया? अब तो जानते हैं पवन जी, अब तो मैं कहता हूं कि पूरे विश्व में कहीं कार्यक्रम हो, श्रोता हमको यहीं का चाहिए। इतना प्यार और आशीर्वाद मिला। दुनिया में कहीं कार्यक्रम हो, कहीं किसी भी लैंग्वेज में बैठता हूं, बैठूंगा, बट सबसे पहले अगर पवन जी को कुछ चाहिए तो जानते हैं क्या चाहिए? क्या? अपना भोजपुरिया समाज चाहिए। क्या बात है, क्योंकि आज किसी भी गद्दी पे बैठता हूं, जहां भी जाता हूं, किसी भी लैंग्वेज में जाता हूं, परिचय क्या होता है, वो स्टार आया भोजपुरी का है। तो भोजपुरी मेरी माँ है और भोजपुरी परिवार मेरा सबसे पहले था, है और रहेगा। लव यू भोजपुरिया संसार, जियो। मैं चाहूंगा, चलिए, जो मुझे आप सुनाते हैं ना हर बार कांटा लगा, मैं चाहता हूं कि ये सुनाए। आप लोग चाहते हैं भैया, एक बार तेरी हाथ उठा के बोल दे जाओ। चल बेटा पवन जी, मैं बता दूं बेटा, अभी आप जो गा रहे थे इसका मायने मतलब था, लेकिन कुछ गीत ऐसे भी आए देश में और हिट हो गए जिसका कोई मायने मतलब नहीं। एक गीत आया था, मेरी नीली नीली आंखें मैं क्या करूं, अब पवन जी बताएंगे क्या करना, फोड़ लो। एक और गीत बड़ा हिट हुआ था, मेरे गोरे गोरे गाल मैं क्या करूं, किराए पर दे दो। एक और गीत बड़ा हिट हुआ कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। मैंने कहा कि साजन उस पार है तो जाके मिला, वो इस पार नहीं आएगी क्योंकि उस पर 10-20 हजार का उधार है। एक और गीत आया बड़ा हिट हुआ जिसमें माधुरी दीक्षित 4-4 फीट जंप करके गा रही थी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। सबका पिया अपने ही घर आता है ना, किसका पिया पड़ोस में जाता है। हाँ, ज्यादा पिया होगा तो इस बात की कोई गारंटी नहीं, कहीं भी जा सकता है। एक और गीत बड़ा हिट हुआ पवन जी कि जिसमें नायिका गा रही थी कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। जब छत पे बहनोई सोया था तो तू गई क्यों, और जब कुछ उल्टा सीधा हो गया तो इसमें राणा जी को कहे फंसा रही हो भाई। एक और गीत बड़ा हिट हुआ पवन जी जिसमें नायक गा रहा है कि सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं, किसके बाप पर एहसान कर रहे हो, शादी तुम्हारी हुई है, तुम ही ना घूंघट उठाओगे, अभी इस काम के लिए क्या पवन जी जाएंगे? पवन जी नहीं ना जाएंगे भाई साहब। एक और मतलब इसी तरह के तमाम गीत हिट हुए। मैं यही बोल रहा था तब तक एक बच्चा बीच में खड़ा हो गया और उसने कहा कि अंकल चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, गाते गाते चुप हो जाता हूं, क्या यही प्यार है? हमने कहा नहीं बेटा, ये कमजोरी का लक्षण है, अभी शुरुआती दौर है, इलाज करा लो ठीक हो जाओगे, नहीं तो बाद में मर्ज बढ़ भी सकती है। तब तक एक और बच्चा खड़ा हो गया बीच में और उसने कहा कि मुंडी बदनाम हुई। मैंने कहा बेटा तुम्हारी उम्र है, ये कह सकते हो कि मुंडी बदनाम हुई, जिस मंच पर पवन जी रहते हैं उस मंच से महिलाओं का सम्मान होता है, और तब मैं कहूंगा कि हसरत इश्क नीलाम न होने देंगे, दिल की दुनिया में शाम न होने देंगे, अरे उल्फत के सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेंगे, पर मुन्नी तुझे कभी बदनाम न होने देंगे। पवन जी आज तो मन कर रहा है वो शेर बोल ही दूं आपको देख के, रियली कि कुछ लोग